उन्हें देखा यहां हमने तो पहली बार ये जाना उन्हें देखा हमने यहां पहली उन्हें देखा हमने यहां तो पहली बार ये जाना पुलिस वालों के सीने में भी यारो दिल धड़कता है जोरदार तालों से इस्तकबाल कीजिए जश्न अफरोज शेख का ये मुशाह माशाल्लाह कामयाबियों की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों गजल दिल के मामलात का नाम है लेकिन अब गजल का दामन इतना वसी हो गया है कि उसमें दिल की शिकायतें हैं तो दिल्ली की भी शिकायतें हैं मैं एक ऐसे शायर से गुजारिश करने जा रहा हूं जिसके शायरी में दिल और दिल्ली दोनों की बातें आएंगी वो शख्स आपके दिलों को इस तरह छेड़ेगा कि जैसे झील की पानी में कंकरियां डालना मेरी गुजारिश अजमल आरिफ आजमी से है कि वो आए और अपने कलाम से नवाजे आइए दोस्तों एक मतलब दो तीन शेर से अपना सफर शुरू करता हूं अभी हाल ही में कुछ महीने पहले मैं दुबई गया था तो दुबई जाने के बाद मैंने जो महसूस किया मेरी ढाई तीन साल की बेटी है तो जो मैंने महसूस किया उसको जो है गजल में कहने की कोशिश की है मतलब यू है कि पेट की आग लिए धान तक आ जाती है पेट की आग लिए धान तक आ जाती है एक चिड़िया है जो खलियान तक आ जाती है आमिर सैयद साहब आ गए उनका भी इस्तकबाल है जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दें मतलब देखिएगा कि पेट की आग लिए जी पेट की आग लिए धान तक आ जाती है एक चिड़िया है जो खलियान तक आ जाती है और जब कोई नाम मेरा लेता है बेटी मुझको ढूंढते ढूंढते दालान तक आ जाती है वाह 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 वा वा वा। <गए> शुक्रिया दोस्तों पेट की आग लिए धान तक आ जाती है एक चिड़िया है जो खलियान तक आ जाती है जब कोई नाम मेरा लेता है बेटी मुझको ढूंढते ढूंढते दालान तक आ जाती है और शेर देखिएगा कि खाब आंखों के मुकम्मल भी नहीं हो पाते जिंदगी इतर से लोबान तक आ जाती है शुक्रिया दोस्तों खाब आंखों के मुकम्मल भी नहीं हो पाते जिंदगी इतर से लोबान तक आ जाती है और भीख में मांगा हुआ प्यार या हमदर्दी हो भीख में मांगा हुआ प्यार या हमदर्दी हो चीज कोई भी हो एहसान तक आ जाती है शुक्रिया दोस्तों चीज कोई भी हो एहसान तक आ जाती है और हिचकियां अब तो सताती हैं लगातार मुझे अब तेरी याद मेरी जान तक आ जाती है शुक्रिया दोस्तों हिचकियां अब तो सताती हैं लगातार मुझे अब तेरी याद मेरी जान तक आ जाती है आइए दोस्तों एक मतला दो तीन शेर और पढ़ता हूँ अभी हाल ही में क्या हुआ कि आजमगढ़ में एक हादसा हुआ एक ही घर की दो तीन बेटियाँ तालाब में किसी तरीके से गिर गईं और उनकी डेथ हो गई तो उस मंजर को मैंने देखा एक बाप का मैंने दर्द बयान किया है एक मतला दो तीन शेर और पढ़ता हूँ कि जो अब तक कह नहीं पाया अभी वो बात बाकी है आहा। जो अब तक कह नहीं पाया अभी वो बात बाकी है मेरी आंखों से आंसू की अभी बरसात बाकी है मेरी आंखों से आंसू की अभी बरसात बाकी है और जनाजा लेके मत जाओ मेरी बेटी का रहने दो मेरी बेटी कहसे की अभी बारात बाकी है वाह 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 जो अब तक कह नहीं पाया अभी वो बात बाकी है मेरी आंखों से आंसू की अभी बरसात बाकी है और जनाजा लेके मत जाओ मेरी बेटी के रहने दो मेरी बेटी के हिस्से की अभी बारात बाकी है मेरी बेटी के हिस्से की अभी बारात बाकी है और अभी जलते हुए घर का बस एक मंजर दिखाया है जरा ठहरो मियां पूरा अभी गुजरात बाकी है वाह 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 अभी जलते हुए घर का बस एक मंजर दिखाया है जरा ठहरों मिया पूरा अभी गुजरात बाकी है और तेरे घर के निवालों में कहाँ से आएगी बरकत तेरे हिस्से की रोटी की अभी खैरात बाकी है वाह 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 तेरे घर के निवालों में कहाँ से आएगी बरकत तेरे हिस्से की रोटी की अभी खैर बाकी है आए दोस्तों एक मतला दो तीन शेर और पढ़ता हूं कि जो हो गया था इश्क पे कुर्बान कट गया जो हो गया था इश्क पे कुर्बान कट गया दिल का मकान बाढ़ के दौरान कट गया वाह दिल का मकान बाढ़ के दौरान कट गया और आने में तुमने देर बहुत देर की सनम अब तो हमारी मौत का चालान कट गया बाँ 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 आने में तुमने देर, देर बहुत देर की सनम अब तो हमारी मौत का चालान कट गया और शेर देखिएगा कि बंटवारा क्या हुआ मेरे कच्चे मकान का बंटवारा क्या हुआ मेरे कच्चे मकान का माँ जिसमें लेटती थी वो दालान कट गया वाह वाह बंटवारा क्या हुआ मेरे कच्चे मकान का मां जिसमें लेटती थी वो दालान कट गया और अच्छा हुआ कि कर दिया रुसवा हमें सनम हम पर तुम्हारा जो भी था एहसान कट गया वाह वा, 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 वा। अच्छा हुआ कि कर दिया रुसवा हमें सनम हम पर तुम्हारा जो भी था एहसान कट गया दोस्तों एक मतलब दो तीन शेर और पढ़ता हूं कि भले टूटी सही मुझको मेरी झुग्गी में रहने दो मुबारक शहर हो तुमको मुझे बस्ती में रहने दो भले टूटी सही मुझको मुझे झुग्गी में रहने दो मुबारक शहर हो तुमको मुझे बस्ती में रहने दो और खुदा से दूरियां नजदीकियां तो दिल से होती है तुम अगली सफ में आ जाओ मुझे पिछली में रहने दो शुक्रिया दोस्तों शुक्रिया दोस्तों राजेंद्र बहादुर यादव जी हमारे बीच में आए हैं उनका इस्तकबाल है उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश समाजवादी पार्टी के हैं जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दें उनके साथ प्रदीप यादव जी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी हमारे बीच में हैं उनका भी जोरदार इस्तकबाल कर दें तालियों से हां पिनायत भले टूटी सही मुझको मेरी झुग्गी में रहने दो मुबारक शहर हो तुमको मुझे बस्ती में रहने दो और खुदा से दूरियां नजदीकियां तो दिल से होती है तुम अगली सफ में आ जाओ मुझे पिछली में रहने दो नहीं एक मिनट एक मिनट लेकिन कुछ तो कह के जाएंगे आप जो महसूस किए हैं जो फील हुआ है आपको पोइट्री सुनकर आप तो कुछ तो अपने ख्याल का इजहार करके जाएंगे ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ सुनना चाहते हैं इनकी जबान से तो तालियों से इनका इस्तकबाल कर मुद्दे लाग बुरा चाहे तो क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है इस तरह से मैं चलते रहता हूँ मेरा काम करते रहता हूँ खुदा के ऊपर मेरा भरोसा है वो करते रहता हूँ अच्छे काम करना मेरा मेरी फितरत है वो मैं करते रहता हूँ तो सबको मैं आप, आपने मुझे यहाँ गेस्ट करके बुलाया मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और टाइम की वजह से मुझे जाना पड़ेगा आप सबको मेरी सुबह शुभकामनाएँ हैं थैंक यू जय हिंद जय महाराष्ट्र गोरे साहब का भी इस्तकबाल हुआ जोरदार तालियों से आप लोग भी इस इस्तकबाल में शामिल हो जाए दीप यादव जी और भरत यादव जी मेरे ख्याल में अपनी किसी मसरूफियात के तहत जाना चाहते हैं शहनवाज साहब उनका इस्तकबाल करेंगे वो स्टेज पर आ जाए हिंदुस्तान की मशहूर शायरा हिरानजुम और निखत मुरादाबादी हमारे बीच में आ गई हैं उनसे गुजारिश है कि वो डारेक्ट स्टेज पर आ जाएं। तो कहीं सांभा कहीं ठाकुर कहीं सरदार गब्बर है कहीं सांभा कहीं ठाकुर कहीं सरदार गब्बर है यहां से लेके दिल्ली तक हर एक किरदार गब्बर है वाह 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 वाह। वा। यहां से लेके दिल्ली तक हर एक किरदार गब्बर है और जरा ठहरो इधर आओ तुम्हें एक सच बताता हूं मियाँ झूठों के इस मंडी का ठीकेदार गब्बर है वाह 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 जरा ठहरो इधर आओ तुम्हें एक सच बताता हूँ मिया झूठों की इस मंडी का ठीकेदार गब्बर है और तुम्हें अब अपने आंगन के हिफाजत खुद ही करनी है तुम्हें अब अपने आंगन के हिफाजत खुद ही करनी है तेरी बस्ती का जय वीरू भी मेरे यार गब्बर है कहीं सांभा कहीं ठाकुर कहीं सरदार गब्बर है आइए एक मतलब दो तीन शेर मैं जो पढ़ रहा था कि भले टूटी सही मुझको मेरी झुग्गी में रहने दो मुबारक शहर हो तुमको मुझे बस्ती में रहने दो और खुदा से दूरियां नजदीकियां तो दिल से होती है तुम अगली सफ में आ जाओ मुझे पिछली में रहने दो वाह और मेरे बच्चों मुझे नीलाम करना है तो कर दो पर मेरी इज्जत की पगड़ी को मेरी गठरी में रहने दो। वाह 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 वाह। वा। शुक्रिया दोस्तों मेरे बच्चों मुझे नीलाम करना है तो कर दो पर मेरी इज्जत की पगड़ी को मेरी गठरी में रहने दो और फलक का ख्वाब जो मुझको दिखाते हैं कहो उनसे मैं मिट्टी था मैं मिट्टी हूँ मुझे मिट्टी में रहने दो वाह वाह फल का ख्वाब जो मुझको दिखाते हैं कहो उनसे मैं मिट्टी था मैं मिट्टी हूं मुझे मिट्टी में रहने दो और अगर पढ़ने से टूटेगा मेरा ये दिल तो बेहतर है छुपा है राज जो दिल का उसे चिट्ठी में रहने दो शुक्रिया दोस्तों